हु इज मनीराम देवन, आखिर कौन है मनीराम देवन, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। 1857 जब इंडिया के कई सारे पार्ट्स पे वार चल रहा था, जिसको ब्रिटिश सिपाही म्यूटिनी कहते हैं, और इंडिया के लोग इसे फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस कहते हैं, और हम इसको रिवॉल्ट ऑफ 1857 के नाम से जानते हैं, तो आपका दिमाग में तो ये आ ही रहा होगा, आखिर इसके साथ मनीराम देवन का क्या कनेक्शन है। कुछ ही सही, लेकिन कनेक्शन तो है, तो वीडियो को एंड तक देखना तो आपको कनेक्शन क्या है क्या नहीं है सब पता चल जाएगा। मनीराम देवन का पूरा नाम मनीराम बोरफुकन बोरुआ था, तो आपके दिमाग में तो ये आया ही होगा, आखिर देवन टाइटल आया कहाँ से, तो वीडियो को एंड तक देखना भाई, पता चल जाएगा। मनीराम देवन वो एक ब्रिटिश का वर्कर था जो ब्रिटिश को टैक्सेस कलेक्ट करने में हेल्प करता था, और मनीराम देवन का ईमानदारी को देख कर ब्रिटिश ने उसे सबसे पहले तहसीलदार का टाइटल दिया, उसे सिरास्तीदार का टाइटल दिया, और लास्ट में उसे देवन का टाइटल मिला। दो टाइटल से अब हम उन्हें जानते हैं। ब्रिटिश टाइटल मिलने के कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपने जॉब से रिजाइन कर दिया, क्योंकि उस समय उसे अपना टी गार्डन एस्टेब्लिश करना था। तो वो और उनके दोस्त पियोली बोरुआ उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के पास गए, क्योंकि टी गार्डन एस्टेब्लिश करने के लिए जमीन का भी जरूरत पड़ता है। जब उन्होंने लॉर्ड कैनिंग से बात किया तो लॉर्ड कैनिंग ने माना तो नहीं किया, लेकिन नॉर्मल टी गार्डन के मुकाबले टैक्स डबल कर दिया। तो मनीराम देवन को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उन्होंने कई साल ब्रिटिश को टैक्सेस कलेक्ट करने में बहुत हेल्प किया था, और उसके वजह से उसे कई सारे अवार्ड भी मिले थे। तो उस समय वो लॉर्ड कैनिंग से मिलने कलकत्ता गया था, तो उसे पता चला कि यहाँ ब्रिटिश को निकालने के लिए वार चल रहा है। वो और उसका दोस्त कलकत्ता में रह के प्लानिंग कर रहा था, और वो प्लानिंग को एक लेटर की मदद से उसका और एक दोस्त कंदेपेश्वर सिंघा को सेंड करता था, जो असम में रहते थे। लेकिन एक दिन एक लेटर ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर को मिल जाता है, और वो लेटर वो पुलिस ऑफिसर डायरेक्टली ब्रिटिश जनरल को फॉरवर्ड कर देता है, और इंस्टेंटली मनीराम देवन और पियोली बोरुआ को अरेस्ट करके जोरहाट जेल में लाया जाता है, और एक साल के बाद 26 फरवरी 1858 को उन्हें फांसी में लटका दिया जाता है। एक आदमी जिन्होंने अपना आधा जिंदगी ब्रिटिश का हेल्प करते करते गुजार दिया, और ब्रिटिश के ऊपर बस एक छोटा सा आवाज उठाया देख के उसे फांसी में लटका दिया गया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपको इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिला हो तो आपके दोस्त को भी वीडियो जरूर शेयर करना। तब तक के लिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।